लोगों की मुलाकात नहीं हुई है। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। फिलहाल हम सब घर में बंद है, तो आज मैं आपके लिए घर की बनी हुई एक रेसिपी बता रही हूँ, जो कि काफी इजी है, जो घर के सामान से ही बन जाएगी। तो चलिए मेरे साथ हम देखते हैं वो रेसिपी क्या है। ये मेरे दो कटोरी बचे हुए चावल है, जिसमें मेरी बची हुई आलू और मिक्स वेजिटेबल की सब्जी है, जिससे मैं ये रेसिपी बनाने वाली हूँ। यहाँ बाकी के इंग्रेडिएंट्स है, आप देख सकते हैं, ये है सूजी जो बड़े दो चम्मच है, बेसन, नमक, शक्कर, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर। यहाँ है दही जो हम दो चम्मच लेने वाले हैं। ये गार्लिक ब्रेड में हम स्पाइस यूज करते हैं वो है, और ये सोडा बाइकार्ब है। ऑप्शनल के लिए हम ये चीज का स्लाइस यूज करने वाले हैं। मैं ये सब मिक्स करके बाद में चावल में डालती हूँ। अब इसको धीरे धीरे से मिक्स करना है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून दही डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा गार्लिक ब्रेड का स्पाइस भी डालते हैं, ताकि थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाए। चुटकी भर सोडा बाइकार्ब इसमें मिक्स करना है। अच्छे से पानी डाल के इसका घोल तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है इसमें और घोल तैयार करना है। इस तरह का मिश्रण तैयार हो जाएगा। इसको ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और ज्यादा पतला भी नहीं करना है, मगर आपके हिसाब से इसके अंदर आप चाहे तो बेसन या सूजी ज्यादा कम कर सकते हैं, और टेस्ट कर लें कि आपको तीखा चाहिए तो इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च वो भी डाल सकते हैं, सूखी मेथी कसूरी मेथी के लिए वो भी डाल सकते हैं। अब इस मिश्रण को हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक के, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। हमारा मिश्रण तैयार है। अब इसमें हम चीज मिलाएंगे और फिर इसके अप्पे बनाएंगे। तो अब हम ये चीज के स्लाइस इसमें मिक्स करेंगे और मिश्रण तैयार करेंगे। मेरा अप्पे पैन रेडी है, मैंने इसे गरम करने रख दिया था। तो चलिए ये बैटर इसमें डाल के अप्पे बनाते हैं। चलिए पहले तेल डाल के इस अप्पे पैन को रेडी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं ऐड करती हूँ। ये रेसिपी बहुत कम तेल में बनती है, बहुत अच्छी भी लगती है, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। अब फिर से ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे और इसे ढक कर पकने देंगे। इसे ऐसे ढक देती हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब हम इसे पलट देंगे। अब हम इसे पलट देंगे। स्लोली स्लोली सभी पलटने हैं। देख सकते हैं मैंने
सारे आप पे डन कर दिए हैं और अब इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल डाल रही हूँ और फिर से इसे कवर करके रखूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप भी घर पे जल्दी से अड्डे बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में आपको अपने कैसे लगे जरूर बताइएगा।